हाय यार, देखो क्या है ना कि आई एम लाइक अ रियली रियली ह्यूज मार्वल फैन एंड द लास्ट टू फिल्म्स डायरेक्टर डायरेक्टेड वर द मार्वल फिल्म्स व्हिच वर द बैटमैन सीरीज. सो आई वांट टू डू व्हाट रियली वांट टू नो व्हाट ही इज डन ऑन दिस वन. एंड एनी वेज, जब थ्रिल वाली फिल्में होती हैं ना तो इट्स एन ऑल बॉयज फिल्म, बड़ा मजा आता देखने में. उसकी ना जो मेथड एक्टिंग है उसके लिए वो लाइक वो ज्यादा फेमस है ना, लाइक इंस्पायर्ड बाय इंस्पायर्ड होते हैं ना. देखो क्या है ना कि फिल्म्स का स्टैंडर्ड जितना बढ़ेगा उतना बेटर है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट द हॉलीवुड फिल्म्स आर कमिंग हियर बिकॉज यू नो दे आर सो गुड कि वो बिजनेस खाती हैं और उसकी वजह से द लेवल एंड द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म्स विल आल्सो इंक्रीज. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और लोगों की जो सोच बदली है, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में पसंद कर रहे हैं या तो वेब सीरीज की बात करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या है ना कि फेज आता है हर चीज़ का, हर चीज़ का फेज होता है. देर वॉज अ टाइम वेन अ सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा वॉज वर्किंग, राइट नाउ अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट बेस्ड सिनेमा इज वर्किंग. पर अभी सडनली बीच में कॉमेडी आएगी जिसका कुछ साल पर नहीं होगा, वो सबसे बड़ी हिट हो जाएगी. क्योंकि होता सी इंटरटेनमेंट इज अबाउट वेराइटी एंड सिनेमा इज ऑल्सो अबाउट वेराइटी. सो हर डायरेक्टर अलग चीज़ बनाता है. इफ यू गिव द सेम स्क्रिप्ट टू वन ऑफ माई फेवरेट्स करण जौहर एंड यू गिव इट टू रामकोट परवर्मा, दे विल मेक टू डिफरेंट फिल्म्स आउट ऑफ द सेम स्क्रिप्ट. It's a perspective of someone. It's an art. So you can't really judge one person's art to the other person's. It's a... अरे मैं ना डायरेक्ट करूँगा और होपफुली जल्दी करूँगा. कुछ है अभी क्या नहीं ब्रीफ ये है कि भाई स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं फिल्म डायरेक्टर अभी तो. आई हैव टू पुट लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. इट लुक्स वेरी इजी बट द थिंग इज दैट यू हैव टू गेट द एक्टर्स राइट, यू हैव टू गेट द क्रू राइट, एवरीथिंग हैज टू बी कमिंग इनटू अ परफेक्शन. तो वो अभी चल रहा है. बिग बॉस के मैं कहूँगा कि आई होप बहुत अच्छी रेटिंग्स आए उसकी, कलर्स खुश हो जाए, सुपर डुपर हिट हो जाए और जो वहाँ पर दो तीन मेरे फ्रेंड्स हैं सबके सब सुपर सक्सेसफुल फाइनल्स में पहुँच जाए. मुझे पता ही नहीं रेटिंग्स कमारी मेरे एस ऑफ स्पेस की रेटिंग सुपर आई हैं, मतलब सुपर आई और फिनाली की रेटिंग्स आनी बाकी हैं. तो हम लोग सोचे मतलब ऐसे फाड़ के रेटिंग आएंगे. नहीं ऐसा 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 देखो होगा, बहुत अच्छी बात है. लेकिन क्या है ना, बिग बॉस एक मास ऑल ओवर इंडिया का शो है और हर उम्र के लोग उसे देखते हैं, जबकि एस ऑफ स्पेस एक यूथ ओरिएंटेड शो है. दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड. बिग बॉस का जो रीच है, जो पावर है, वो बहुत डिफरेंट है और एस ऑफ स्पेस का बहुत ही डिफरेंट है. मुझे बहुत ऐसे शर्म आती है अगर कोई मुझसे बोलता कि एस ऑफ स्पेस और बिग बॉस का कंपेयर, बिल्कुल नहीं. वो उससे तो सीखते हैं हम इतना सारी चीज़ें और वी आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम दैट एंड आई इम्प्लीमेंटेड ऑन माई शो. बट आई एम सो ग्लैड दैट एस ऑफ स्पेस इज डूइंग सो वेल. एंड इतना यू नो अभी अब कैसे मैसेजेस आते हैं मुझे और रिप्लाई ईमेल्स आते हैं, मुझे एस ऑफ स्पेस सीजन 5 करना है. मैंने कहा 3 भी नहीं आया. हाँ मैं अभी 18 का हुआ नहीं ना, 18 का होऊंगा सीजन 5 तक, तब मैं कर पाऊंगा. तो मुझे कर सो यू नो इट्स सो इंस्पायरिंग दैट पीपल फाइंड इट सो एक्साइटिंग एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन द शो. किस पे? मैं नहीं देखता. मुझे पता ही नहीं ना, मैं भविष्यवाणी करता हूँ ना मुझे कुछ आइडिया मेरे, तभी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा. पागल हूँ कि एक का नाम लूँगा दूसरे को नहीं बोलूँगा, वो बोलेंगे अच्छा टॉप 3 का. मुझे कुछ नहीं पता. आई यू नो आई कैन सी 1 पर्सन इन द फिनाले फॉर श्योर, सलमान सर. आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ एंड काफ़ी टाइम बाद, मतलब मुझे खुद को गाड़ियों का बहुत शौक है एंड फोर्ड वर्सेस फरारी जैसी फिल्म एंड क्रिश्चियन बेल अगेन वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. क्रिश्चियन बेल ऑफकोर्स, मैं क्रिश्चियन बेल की टीम में हूँ बट ऑफकोर्स मैट डेमन भी अमेजिंग है. सो लेट्स सी फरारी जीतती है कि फोर्ड. मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे मार्वल यूनिवर्स की सारी फिल्म्स बहुत पसंद है एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आयरन मैन. बिग बॉस ऑफ कोर्स इस साल बहुत इंटरेस्टिंग है एंड प्लस मेरा दोस्त है पारस, सो इस साल कंटेस्टेंट है एंड आई थिंक वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड यस प्लीज़ सपोर्ट. यस आई एम श्योर पारस एंड तक जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली जीत भी जाएगा. आई थिंक पारस, सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज. थैंक यू.
वेल फोर्ड वर्सेस फरारी आई थिंक मैं कार का बहुत शौकीन हूँ इसलिए अब जैसे ही मुझे टाइम मिला कि और इनवाइट हुआ कि यहाँ पे आके एक बार देखा जाए सो या सो आई थिंक मैंने हाँ बोल दिया एंड आई हैड टू कम ओवर हियर बिकॉज़ ऑफ द कार्स या सेम हियर वी आर वेरी बिग फैन ऑफ कार्स सो इट्स लाइक अ बॉयज मूवी सो वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट यार मेरी तो अलग है आई थिंक फोर्ड की अगर आप पूछे तो मस्टैंग मेरी फेवरेट है आजकल एंड फरारी तो ऑफ कोर्स रेड फरारी हु डज नॉट वांट इट तो सबको वही चाहिए होती है बट हाँ मुझे एक एस्टन मार्टिन चाहिए यार yeah, Aston Martin, of course, Aston Martin and one Ferrari, a Ferrari movie bhi, it's like a dream car for me as well. So yeah, Ferrari for sure, yes. First car, koi si thi jo apne paise se? Jo apne paise se li thi, meri thi Mercedes yaar, but wo maine second hand li thi. But ab maine nahi le liya. Meri first car thi, jo mujhe ghar se mili thi, wo thi Maruti Steam. और अभी जो मैं चला रहा हूँ अपने पैसों से भाई ये गलत है अपने पैसों से मैंने लिया है जर्मन कार बहुत ही एक्साइटेड हुई है फॉक्सवैगन की पोलो अब खत्म हो चुके बाय द वे एंड इसीलिए आप हमें यहाँ पे देख रहे हैं एंड या आई मीन जो भी था जितना वक्त वो था 5 महीने था इट वेंट रियली वेल और फैंस ने लाइक किया आई थिंक जस्ट ग्रेटफुल टू दैट वेल हाँ क्यों नहीं अगर कुछ नेटफ्लिक्स या अमेजोन का कुछ मिलेगा तो वाई नॉट अरे कुछ नहीं यार नहीं यार मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है हालांकि एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे उसमें बट मैं फॉलो नहीं कर रहा बिल्कुल भी हाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा बट हाँ सभी फ्रेंड्स हैं यार इंडस्ट्री के सारे लोग फ्रेंड्स ही हैं बट जो भी है आई थिंक आई विश आवाज आ रही है स्टार्ट हो गया मूवी स्टार्ट हो गई है बाय थैंक यू पूरा नीचे आ जाना आ गया ना आई एम वेरी 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 एक्साइटेड और जो मैट डेमन है क्रिस्टोफर नोलन एवरीबडी इज देयर ऑल लाइक माई फेवरेट पीपल स्पेशली मैट डेमन एंड आई एम जस्ट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है एंड आई थिंक बाय द लुक ऑफ इट एक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला ऐसे लग रहा है सो या क्रिस्टियन बेल भी है ना आई थिंक इट्स क्रिस्टियन बेल राइट क्रिस्टियन बेल एंड मैट डेमन ओह माय गॉड मेरे तो क्रिस्टियन बेल भी बहुत पसंद है एंड सो या आई थिंक एक्शन बहुत होने वाला है एंड दे बोथ माय फेवरेट एक्टर्स सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फोर्ड वर्सेस फरारी आई थिंक फरारी बिकॉज फरारी बहुत तेज है आई थिंक हाँ मेरी तो जो गाड़ी मेरे पास है वो मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है मेरी ऑडी है मेरी दैट्स माई मेरे लिए वो फोर्ड और फरारी से भी बड़ी है मेरी फर्स्ट कार एक ब्लू कलर की छोटी सी जेन एस्टीलो थी जो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी और आज मैं मेरी इस जेन एस्टीलो नीले रंग की नैनो जैसे दिखने वाली गाड़ी में ही आई हूँ जो बाहर पार्क्ड है बिकॉज मेरी बाकी की गाड़ियाँ सर्विसिंग के लिए ही है सो आई स्टिल हैव दैट कार एंड आई स्टिल यूज़ दैट कार एंड बिलीव मी आई हैव कम इन अ जेन एस्टीलो या सॉरी बिग बॉस में ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही आई एल बी वेरी ऑनेस्ट जी टॉप थ्री में देवो रश्मि और पारस क्योंकि मैं तीनों को जानती हूँ तो थैंक यू